हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास 10। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, क्लास 8 के लिए लेसन नंबर 4। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो रिलेटेड हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। इस पॉइंट्स को हम अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारा जो ये मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहला तो यही है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। आइए तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में मेटल और नॉन मेटल होते क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल वे से समझो कि मेटल वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे कि अभी मैं इसकी बात करूं तो ये प्लास्टिक के फॉर्म है, मतलब कि क्या है, ये नॉन मेटल। इसके थ्रू ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और ना ही ये हीट का गुड कंडक्टर है। यानी हम मेटल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉल्ड मेटल। ठीक है, उस मेटल के अंदर क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। इसमें हम कह सकते हैं कि वो जो मटेरियल है वो क्या है, आपका मेटल है। ठीक है, और जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर नहीं होते, इसके एक मैंने किसकी बात की, इलेक्ट्रिसिटी की, और दूसरी किसकी बात की थी, हीट। तो वो किसके कंडक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल होगा जो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, तो वो मेटल होगा, और जो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, वो नॉन मेटल हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मेटल में जैसे आयरन, स्टील है ना, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स में आते हैं, और जो नॉन मेटल्स हमारे प्लास्टिक, रबड़, पॉलिथीन, ये वगैरह जो आते हैं, वुड्स, ये सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले मेटल की बात करें कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी तो पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। जो फर्स्ट है वो होती है हमारी मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब देखो मैलिएबिलिटी में क्या होता है, मैलिएबिलिटी के अंदर कि हम किसी मेटल को उसको स्ट्राइक करके उस पर उसको हम पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी उस पर हम फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, हाइड्रोक्लोरिक प्रेशर लगा के, उसमें क्या होता है, उसको हम शीट में कन्वर्ट कर, मैलिएबिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, मेटल के अंदर आता है। दूसरा होता है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी में क्या होगा कि उसी मेटल को हम एक वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एक वायर में कन्वर्ट। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल्स के लिए कि मैलिएबिलिटी के थ्रू हम उस मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो एल्यूमिनियम शीट, फॉइल्स वगैरह होती है, क्या होती है, मेटल ही तो होते हैं, उसको हम मैलिएबिलिटी के थ्रू हम उसको शीट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डक्टिलिटी के थ्रू हम वायर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारी कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, तो इसी डक्टिलिटी प्रोसेस के थ्रू हम उसको वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दो और भी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। थर्ड है आपका सोनरस। अब देखो सोनरस क्या होता है कि हर एक मेटल की एक अपनी साउंड होती है। ठीक है, जैसे कि आयरन का, जैसे हमने घंटी की बात की, तो घंटी में जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो उस मेटल की अपनी एक साउंड है। ठीक है, तो ये किसमें अवेलेबल होता है, बेसिकली मेटल में ही होता है। ठीक है, सोनरस किस में होता है, मेटल में। ठीक है, जो और फोर्थ है हमारा, जैसे कि अभी मैंने पिछली बार बताया था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फोर्थ है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के अंदर कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जाएगा मेटल के। दूसरा, अगर हम नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें तो नॉन मेटल ना तो वो मैलिएबिलिटी परफॉर्म करता है, ना तो वो डक्टिलिटी परफॉर्म करता है, और ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, फिर भी वो यूज किए जाते हैं,
अगर वो बैड कंडक्टर है तो वही बैड कंडक्टर को हम किस लिए ग्लव्स में यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन, जिससे कि उनको शॉक ना लगे, ठीक है। तो यूजेस उनके भी है, मेटल के भी, नॉन मेटल के भी यूजेस, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट हो गया, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। जो थर्ड है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए इसको देख लेते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, जैसे केमिकल का मतलब क्या होता है कि कोई मेटल है, ये मटेरियल प्लास्टिक है, इसमें भी कई एलिमेंट्स को मिक्स करके ये बनाया गया होगा, है ना। तो ये उस केमिकल के बारे में हमें जानना है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें कौन कौन से, रिएक्शन विद वॉट, ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल के अंदर भी हो सकता है और नॉन मेटल के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जब भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया, ठीक है, तो उस बर्न के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड परफॉर्म होता है, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका ऐश होता है, जब बर्न करने के बाद जो उसका ऐश जो डेवलप्ड होता है, उसको हम अगर वाटर में डिजोल्व करें, ठीक है, और उसका नेचर आइडेंटिफाई करें, जो हमारे पास बर्न ऐश बचा है किसका, मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन का जो बर्न ऐश है, अगर इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करें, ठीक है, और उसका नेचर आइडेंटिफाई करें कि वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें हम लिटमस पेपर सिंपली डिप करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन के ऐश को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं और हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसिडिक है या बेस है, तो लिटमस पेपर अगर रेड में से ब्लू में कन्वर्ट हो गया, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो बेसिक नेचर, यानी वो जो ऐश डेवलप्ड हुआ है वो किस नेचर का है, वो बेस नेचर, ठीक है। ऐसे ही सेकंड, हम अगर सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। देखो वाटर के साथ रिएक्शन हमारे को पता ही है, मेटल का, मेटल का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो सिंपली हमने रस्टिंग पता है, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। अगर किसी भी मेटल का, जैसे आयरन का, आयरन का अगर वाटर में प्रेजेंस में आए, ठीक है, और एयर के थ्रू ऑक्सीजन के साथ उसमें प्रेजेंस में आए, तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग प्रोसेस होगा, रस्टिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, उसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल का तो रिएक्शन होता है विद वाटर, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल का कोई रिएक्शन नहीं होता विद वाटर, ठीक है। जैसे कि अब ये प्लास्टिक है, इसको पानी में डाल दोगे तो इसको कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है आपका रिएक्शन विद एसिड। अब देखो एसिड के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, पर मेटल का होता है। मेटल में जब भी मेटल का रिएक्शन विद एसिड होगा तो क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे ही मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस डेवलप कर प्रोड्यूस कर। ऐसे ही सेम केस रिएक्शन विद बेस में भी, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है, मेटल अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपली वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो दोनों केस में पता लग गया कि रिएक्शन अगर नॉन मेटल का एसिड में हो तो वो नहीं होता, बेस के साथ नॉन मेटल का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन बेस के साथ अगर मेटल का रिएक्शन हो तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फोर फिफ्थ हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि नेम से पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी का डिस्प्लेस होना, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कोई एक एलिमेंट इधर होगा, ठीक है, प्लस करेंगे कोई एक एलिमेंट इधर होगा, एक सिंपल एग्जांपल है, एक एलिमेंट ये है, इसके साथ कोई एक दूसरा एलिमेंट है, प्लस किया ये तीसरा एलिमेंट है, इसको वन नेम दिया, इसको टू नेम दिया, इसको थ्री नेम दिया, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वन थ्री आ जाएगा इधर और ये इधर टू इधर हो जाएगा। अब देखो इस एग्जांपल के थ्रू क्या समझ रहे हैं हम, कि क्या हुआ, जो ये थ्री वाला जो एलिमेंट था उसने वन के साथ रिएक्शन किया, ये जो वन वाला एलिमेंट था उसने थ्री के साथ रिएक्शन किया और टू अलग हो गया,
ठीक है, यानी क्या किया, इस थ्री ने इस टू का डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या शो हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एग्जांपल है CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, CuSO4 प्लस Zn। अब देखो ये हमें क्या देगा, कॉपर है, सल्फर ऑक्साइड है और जिंक है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। Cu देखो एक एलिमेंट तो ये वाला हो गया और एक एलिमेंट ये वाला हो और एक एलिमेंट ये। इसने क्या किया, जिंक ने सल्फर डाइऑक्साइड को हटा दिया, इसके साथ इसने रिएक्शन कर लिया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। यानी इसने इसके साथ डिस्प्लेस कर लिया, कॉपर अलग हो, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट होता क्यों है, क्योंकि जो कॉपर है और जो ये जिंक है, इन दोनों से ही हुआ है ना, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ जिंक ने कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि जो जिंक एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक के अकॉर्डिंग, और जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने इसका डिस्प्लेस कर, ठीक है। अगर लास्ट पॉइंट है हमारा यूज ऑफ मेटल नॉन मेटल। अब जैसे हम यूज की बात करें कि सबसे पहले हम मेटल्स देखते हैं, फिर उसके बाद नॉन मेटल के यूज देख लेते हैं। पहला यूज मेटल को यूज किस लिए किया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसके लिए हम इसको हम क्या करते हैं, वायर्स में यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा, जो मेटल होता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज करते हैं, जैसे कोई अगर केस बनाना हो, जैसे कि कोई इक्विपमेंट्स है, उसके आउटर साइड के लिए भी हम मेटल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपली इक्विपमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। और होम अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, ठीक है, होम अप्लायंसेस लिख देते हैं, होम अप्लायंसेस, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल का देखते हैं, तो नॉन मेटल प्लास्टिक रबड़, इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिशियन ग्लव्स, ठीक है, सेकंड बोतल, थर्ड रबड़, है ना, कई सारे इसके बहुत सारे आपके एप्लीकेशन है जिसमें यूज किए जाते हैं, जैसे मेटल्स के अंदर जो आईसीज वगैरह बनती है वो भी इसमें ऐड की जा सकती है, जो आईसीज वगैरह होती है वो भी आपकी मेटल्स की बनी होती है, जो फिर उसके बाद जो कोटिंग होती है उसपे, ठीक है, वायर्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो कोटिंग फिर नॉन मेटल्स की, ठीक है। अगर तो वायर मेटल का होता है लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कवर होती है, तो वो हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जो आप, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे चैप्टर से रिलेटेड। इस पॉइंट्स को कवर करने के बाद हमारा जो लेसन नंबर 4 है मेटल और नॉन मेटल का, क्लास 8 का, वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।